मदीने शरीफ में ना मेरे दोस्त हैं, उनके साथ आया हूँ। इसकी टैक्सी थी, मेरा क्लास फेलो था बचपन का, तो हमने यहाँ पे फ्यूल वगैरह डलवाना है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। वो बच्चा आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे अभी देखना, तो ये बांग्लादेश के हैं। अब सीन ये होता है कि यहाँ पे ना इनकी सैलरीज कितनी होती है, अक्सर पेट्रोल पंप पे काम करने वालों की सैलरी 900, 1000, 1100, 1200 होती है। इस बच्चे ने बताया कि इसकी 1500 सैलरी है। जिस तरह पाकिस्तान में दो तरह के पेट्रोल मिलते हैं, एक नॉर्मल और एक हाई ऑक्टेन। नॉर्मल सस्ता है, हाई ऑक्टेन थोड़ा सा महंगा होता है, उसकी एवरेज अच्छी होती है। यहाँ पे भी इसी तरह दो पेट्रोल हैं, एक को ये ग्रीन कहते हैं और एक को रेड। रेड के कुछ पैसा इसकी कीमत ज़्यादा होती है। यहाँ सऊदी में, मक्के में चले जाएँ, मदीने में चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ, सैलरीज बहुत कम है। और लेकिन फिर भी लोगों की एक ख्वाहिश होती है, एक तड़प होती है, जी हमने जाना है, जी सऊदीया जाना है। ज़्यादातर आपको यहाँ पे सऊदीया में कौन लोग मिलेंगे? पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली और नाइजेरियन, और इसके साथ साथ आपको बर्मा के लोग मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे पाकिस्तानी। अगर यहाँ पे 1000 सैलरी हो, 1000 रियाल, तो 74,000 के करीब 75,000 बनता है। बीच में खाना पीना, रिहाइश, कई किस्म के मसाइल होते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, और काम करते हैं, मेहनत करते हैं, घर वालों तक कुछ ना कुछ ले